अबे दक्ष, क्या है? ये बैग देख, निधि के लिए कैसा रहेगा? ठीक है, क्यों? अरे अबे हमारे रिलेशनशिप का 2 साल हो गया कल, और मैं भूल गया। ये गिफ्ट नहीं दूंगा ना तो तेरी भाभी मुझे भूल जाएगी। ऐसा भटूरे सा मुंह क्यों बना रखा है? क्या हो गया? भाई, मैं ना थक चुका हूं, अब बस। थक गया? क्यों, क्या हो गया? किसी से थक गया तू? अबे तुम्हारे बीच में कबाब में हड्डी बन बन कर यार, ऐसा लगता है बाय टू गेट वन फ्री है। अबे यार, क्यों मुझे हर बार कबाब में हड्डी बना देते हो? मूवी देखने जाते साइड में तुम्हारी मूवी अलग चल रही होती है, पर तुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए हमेशा कि हम दो और हमारी दो, मतलब मेरी भी तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? अबे ओए लॉन्डो का निरूपा रॉय, ये जो रिलेशनशिप की फिल्म है ना, ये दूर से देखने में करण जौहर की लगती है, लेकिन पास जाओ ना तो अनुराग कश्यप की होती है। हैं, अनुराग कश्यप? हाँ अनुराग कश्यप, कभी देखिए अनुराग कश्यप की लव स्टोरी? क्योंकि होती ही नहीं है भाई साहब। हमारे रिलेशनशिप में सिर्फ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज यही सब रहता है। अबे ओ मुझे मत समझा, ठीक है ना? तेरी फिल्म कितनी हिट और कितनी फ्लॉप ना मुझे सब पता है, हर रोज तेरी स्टोरीज देखता हूँ मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। यहाँ मेरा घर बसने की बात हो, ये तो ज्ञान पहले जा रहा है। रुको तेरे को समझाता हूँ मैं। तेरे को वो दिख रहा है, वो दूर दूर, हाँ वो है तुम्हारी जिम्मेदारियां, और उसके पीछे देख वो क्या है, वो है तेरा करियर, और उसके पीछे देख, दिख रहा है तेरे को? वो तेरे सपने हैं। अब उधर देख, ये दिख रहा है तेरे को? ये है तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड। अब उधर देख, वो है तेरे रिलेशनशिप के स्यापे। बेटा इधर और इधर देखता रहेगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे और लड़खड़ा के गिर जाओगे। अच्छा, बेटा ये सही है ना भाई? तुम्हारी तो चार उंगलियां घी में, अब किसी और को घी खाना हो तो उसको बोल दो भैया घी मत खाओ, फैट है उसमें। अरे भाई इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों है तू रिलेशनशिप में? अरे क्यों किया था निधि को प्रपोज तूने शादी के लिए? भाई ये जो तेरे पीछे इश्क का कीड़ा है ना, इसे मैं मारना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं सिंगल था ना तो ये कीड़ा मारने वाला कोई नहीं था। रिलेशनशिप के बाद जो मरा है ना वो मेरी ख्वाहिशें, मेरी आज़ादी। मैं लद्दाख जाना चाहता हूँ दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप पे, लेकिन नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भाभी नहीं चाहती। मैं गोवा जाना नहीं चाहता लेकिन वहाँ मुझे जाना पड़ता क्योंकि तुम्हारी भाभी चाहती है। अच्छा तो एक बात बताना, क्या प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, मुझे बता दे आज तू। अरे हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम के अलावा है क्या? और सीरियस रिलेशनशिप में तो कभी ना पड़ी हो भाई। ये सीरियस रिलेशनशिप ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप के दूसरे दिन बताना पड़ता है कि हम शादी कब कर रहे हैं, हम हनीमून पे कब जाएंगे, हम शादी में क्या पहनेंगे, हमारे बच्चों के नाम क्या होंगे। भाई साहब ये जो बाल देख रहे हो ना, ये नोएडा के पानी ने खराब नहीं कर रहे हैं, आपकी जो दिल्ली वाली भाभी है ना उनकी वजह से इससे बाल हो गए हैं। आमा यार तुम रहने दो, ठीक है? तुम दोनों की अगर एक दिन लड़ाई हो जाए ना तो दो दो दिन तक खाना नहीं खाता घर का, बकवास करे जा रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार कि अगर मेरा घर बस जाता है, मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? अरे कितनी बार बोलूं, मैं तेरे को रिलेशनशिप से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तूने वो सुना है, कुछ होश नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, इंसान मोहब्बत में इंसान नहीं रहता। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान कुत्ता बन जाता है प्यार में। तू अपना बर्थडे भूल सकता है उसका नहीं, और उसके कुत्ते का बर्थडे नहीं भूल सकता है। वैसे एक बात बता, तूने निधि को ये बात बताई मैं दो दो दिन खाना नहीं खाता हूँ? हाँ तो बताऊंगा नहीं क्या उसको? इसीलिए मैं तुझे बिना बताए बाहर जाके खा लेता हूँ, क्योंकि अगर ये बात भी उसे पता पड़ जाए ना और कलेश हो जाएगा। कितना तेज है यार तू। और क्या, अरे मेरे भाई ये बाल और खाना छोड़, ये आंखों के नीचे काले गड्ढे देख रहा है ना, ये भी तेरी भाभी की वजह से है। क्यों? क्योंकि रात को 3 बजे तक अगर उसको नींद नहीं आएगी ना तो वो मुझे भी नहीं सोने देगी, और सुबह सुबह उसको ऑफिस मुझे ही छोड़ने जाना है, उसका ड्राइवर हूं ना मैं। इसलिए कह रहा हूं तेरा भाई एक ड्राइवर बन चुका है, तू ड्राइवर मत बनियो, रिलेशनशिप के चक्कर में ना पड़ियो। अबे ओ दिल जले आशिक निकम्मे निठल्ले, जो तू सड़ी सड़ी रिलेशनशिप में टिप्स दे रहा है ना, उनका एक काम कर, लगा रोल कर, बत्ती बना और जहां मर्जी लेना ले ले, ठीक है ना? अबे तेर से अच्छे तो ना बंगाली बाबा होते हैं, वश में करके सही कम से कम बंदी तो पटवा देते। अबे तू जा यहां से, जा अपने उस बंगाली बाबा से ही बोलो तेरी गर्लफ्रेंड भी फंसवा दे और तेरी शादी भी करवा दे, उसके बाद मेरे से कुछ ना बोली जब तेरे को कोई प्रॉब्लम हुई। भाई साहब ये लोग तो समझ नहीं रहे, ठीक है ना? आप तो समझ जाइए, अगर सिंगल हो तो कमिटेड को टैग करिए, और अगर कमिटेड है तो मेरी सहानुभूति आपके साथ है, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और तू भाग यहाँ से, जा रहा हूँ ना।